सारे साथियों, आज मैं क्लास 12 में चैप्टर 5 अब क्लास में एक्सरसाइज 5.3 में प्रयोग होने वाले कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब हो जाएगा हमारा पाई का मान 180 डिग्री अपॉन टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये कर लें साइन 90 माइनस थीटा, या हम ये कर लें साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, बात एक ही है। तो ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर। इसके आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम कॉस को ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरीके से हमने ट्रांसफर कर दिया साइन स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ 1 को ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमने 1 को ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आगे साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। एक तो कॉस 2 थीटा का ये हो गया, इसका दूसरा बनेगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड बनेगा कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा तो ये वाला है ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसके स्थान पर यहां से ये लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट भी लेंगे क्योंकि आगे माइनस साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट खोलेंगे तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक तो हो गया कॉस रूट थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया कॉस रूट थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक तीसरा और बनेगा वो क्या होगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू, पहले हम इसी को लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इक्वल टू ये है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू वन। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा लेफ्ट साइड में ही, साइन स्क्वायर थीटा को कर दिया ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माने साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर यहां से ये लगा देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये तुम्हारा है ये पहले से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन लगा दिया टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला कॉस टू थीटा का। क्लियर? अब निकालते हैं हम साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के मान टेन के टर्म में। साइन टू थीटा व कॉस टू थीटा के मान टेन के टर्म में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन के टर्म में साइन का मान। और इसी तरह से कॉस का हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा कॉस टू थीटा का मान टेन के टर्म में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? हमें निकालना है अब टेन टू थीटा का मान, क्या हो जाएगा टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां हमारा टू आ रहा है तो टू यहां भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा टेन टू थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा का मान ये है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू थीटा का मान ये है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब नीचे वाला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहुंचेगा हमारा ये ऊपर टू टेन थीटा में, और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा इसमें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। क्लियर? ये बन जाएगा टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देंगे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, इससे कट जाएगा, क्या बचा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा मान टेन टू थीटा का। क्लियर? इसी प्रकार आगे है साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा, और कॉस थ्री थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और टेन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने का बता देता हूं कुछ आसान तरीका। साइन में देखो, यहां साइन साइन आ रहा है और कॉस में कॉस कॉस आ रहा है। क्लियर? जब हम घरों लिखेंगे साइन का तो साइन साइन आएगा, और कॉस का लिखेंगे तो कॉस कॉस आएगा। दूसरा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा, तो हमने इसको साइन के स्थान पर कॉस लगा के तो यहां लिख दिया फोर कॉस टू थीटा माइनस, और इसको यहां साइन के स्थान पर कॉस लगा के हमने यहां लिख दिया थ्री कॉस थीटा। क्लियर? तो जब ये याद कर लेंगे साइन थ्री थीटा का, तो हमको कॉस थ्री थीटा का मान आराम से याद हो जाएगा। फॉर्मूला टेन थ्री थीटा के में यहां पर टेन थ्री थीटा है, तो हमने
थ्री को आगे लिख लिया तो थ्री टेन थीटा माइनस ये थ्री है जो इसकी हमने लगा दी पावर तो टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन थीटा तो थ्री टेन यहाँ थीटा है खाली यहाँ हमने कर दिया स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस तरीके से हमें फॉर्मूला आराम से याद कर सकते हैं। फॉर्मूलों को कभी घटना नहीं चाहिए, जितना हो सके समझो, समझने में टाइम जितना भी लगे उतना टाइम लगाओ, लेकिन एक बार समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। और ये फॉर्मूला रटेंगे तो रटने के बाद में एक दो दिन याद रहेंगे, बाकी भूल जाएंगे। क्लियर। आगे है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, इसका मान हो जाएगा एक्स। इसी तरह से कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान भी हो जाएगा एक्स। टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। कॉट ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर। सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। और कोसेक ब्रैकेट में कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर। यहां हमने साइन से साइन इनवर्स को काट दिया, खाली एक्स लिख दिया। इसी तरीके से कॉस से कॉस इनवर्स काट दिया, एक्स लिख दिया। इसी तरह टेन से टेन इनवर्स काट दिया तो एक्स बच गया। ये हम कैसे काटते हैं, इनका होता है परिसर। क्लियर। अभी इन्हें सीधे सीधे डायरेक्ट याद कर लो, परिसर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लियर। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट, यहां पर हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। क्लियर। इसको कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमें करना है एक्स के सापेक्ष। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, टू हमारा कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, हमें करना है वाई का, यहाँ तो ये वाई हो गया इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। क्लियर। ये एक्स का वन हो जाएगा, हमारा टू इंटू वन ये हो गया प्लस थ्री, ये तो ऐसे रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, टू इंटू वन टू हो गया प्लस थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर। हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, बाकी जो भी है सबको ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में। तो पहले जहां ट्रांसफर करेंगे हम टू को, तो ये हो जाएगा थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस का टू। अब ये थ्री मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या हमारी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू साइन वाई, यहां पर भी हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर टू कॉन्स्टेंट है हमारा, आगे लिख लेंगे टू इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, एक्स का वन हो जाएगा ये हो गया टू इंटू वन प्लस थ्री, ये तो ऐसे रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमें करना है एक्स अपेक्ष लेकिन यहाँ बाई है तो बाई को हम माना एक्स मान लेंगे, हमारा एक्स ही है तो साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम ये बाई ही। क्लियर।
इंटू हमने बाई को एक्स मान लिया था, तो जिसको एक्स माना, हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे लास्ट एक्सरसाइज में कि जिसको एक्स मानते हैं उसका द्वारा करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो डी वाई डी एक्स हमारा लेफ्ट साइड में भी है और डी वाई डी एक्स राइट साइड में भी है। क्लियर, तो पहले हम इनको करेंगे एक तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा टू प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसको हम कर लेंगे ट्रांसफर, तो ये हो गया हमारा थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये टू प्लस का है उसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से थ्री बचा माइनस, यहां से बचा हमारा कॉस वाई इक्वल टू माइनस का टू। क्लियर, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो यह आ जाएगा डिवाइड में, तो यह जाएगा थ्री माइनस के कॉस वाई। क्लियर, ऊपर माइनस साइन आ रहा है और नीचे भी माइनस साइन है, तो क्या करेंगे इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू अपॉन माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कॉस बाई जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा कॉस बाई, और ये जो थ्री प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर, अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा टू अपॉन कॉस बाई माइनस थ्री, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, मुझे उम्मीद है उसे समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली संख्या है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई, तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, देखिए ए कॉन्स्टेंट है हमारा, ए को आगे लिख दिया डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है आगे लिख दिया इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। क्लियर, एक्स का वन हो जाएगा तो ए इंटू वन, ए हो गया सीधा सीधा हमारा प्लस डी इंटू यहां वाई स्क्वायर है, इसको मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा टू वाई इंटू, जब हमने वाई को एक्स मान लिया तो द्वारा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, इक्वल टू ऐसे यहां कॉस वाई, इसका हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का द्वारा करेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, यहां पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों साइड में आ रहा है, इसको ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा टू बी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का है इधर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस साइन बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ए प्लस का है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है तो लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में यहां से बचा हमारा टू बी वाई प्लस यहां से बचा साइन बाई इक्वल टू माइनस का ए। क्लियर, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए अपॉन, ये आ जाएगा नीचे ये हो जाएगा टू बी वाई प्लस साइन बाई। क्लियर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या हमारी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, यहां लिख देंगे एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर
इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, क्लियर एक्स वाई ये हमारे दो फलन है तो इसको मान लेंगे हम एक्स को फर्स्ट और वाई को मान लेंगे सेकंड। तो लाएंगे हम फॉर्मूला पी इंटू क्यू वाला, ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो वाई का करेंगे अपन एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, क्लियर प्लस ये वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू वाई इंटू वाई का द्वारा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का क्या होगा फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा सेम डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर ये तो ऐसे आ जाएगा एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस ये एक्स का अवकलन है एक्स ऑफ एक्स का वन हो जाएगा तो वाई इंटू वन वाई हो गया प्लस ये टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये तो सेम आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर यहां पर एक डीवाई डी एक्स ये है एक डीवाई डी एक्स ये है और एक डीवाई डी एक्स ये है इनको करेंगे हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, ये है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो पहले से ही लेफ्ट में है ऐसे ये टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर इसको करेंगे इधर ये जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर एक्स पहले से ही है इस वाई को ले जाएंगे हम लेफ्ट से राइट में तो माइनस का हो जाएगा साइन, क्लियर यहां से डिवाइड डी एक्स कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया यहां से बचा हमारा एक्स यहां से बचा प्लस का टू वाई और यहां से बचा माइनस का वन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई ये मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस टू वाई माइनस वन ये आ जाएगा डिवाइड में ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, क्लियर और ये हमारा आंसर हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड यहां लिख देंगे दोनों तरफ एक्स अपेक्ष अवगुण करने पर तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हंड्रेड, क्लियर एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन ये हो जाएगा टू इंटू एक्स पावर एन माइनस वन टू माइनस वन वन हो गया प्लस इसको एक्स को फर्स्ट मान लेंगे और वाई को सेकंड फंक्शन मान लेंगे क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड मतलब वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर है हम वाई को एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा टू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर का अवकलन इंटू वाई को हमने एक्स माना तो वाई का करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर इक्वल टू हंड्रेड कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स एक्स का होगा वन हो जाएगा तो वन इंटू वाई वाई हो गया प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर यहां ये डीवाई डी एक्स है और ये डीवाई डी एक्स है इन दोनों में से हम डीवाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां बचेगा हमारा एक्स और यहां बचेगा प्लस का टू वाई और हमने डीवाई डी एक्स कॉमन ले लिया इक्वल टू ये टू वाई है और ये वाई है इनको हम ले गए राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स और माइनस का वाई, क्लियर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई, क्लियर यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया क्या हो गया टू एक्स प्लस वाई
अपॉन एक्स प्लस टू वाई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। हमें इसका निकालना है डीवाई अपॉन डी एक्स, तो लिख देंगे दोनों तरफ एक्स अपेक्ष अवगुण करने पर, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 81। क्लियर। ये एक्स पावर एन, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो जाएगा और ये बाई सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड मतलब बाई प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस इसी तरह से यहां करेंगे एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और वाई स्क्वायर हो जाएगा सेकंड, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड मतलब वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स प्लस ये है वाई क्यू। हम वाई को यहां एक्स मान लें तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन के हिसाब से 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू ये वाई जो हमने एक्स माना था इसका द्वारा करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 81। कॉन्स्टेंट है इसका हो जाएगा 0। क्लियर। 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर है इसका हो जाएगा उपकरण 2x प्लस एक्स इंटू ये वाई स्क्वायर है इसका करना है अवकलन, तो y को हम x मान लें तो ये हो गया 2y। क्लियर। और y का करेंगे हम दोबारा तो ये हो गया dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये x है x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये है 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई, तो 2 एक्स वाई हो गया ये तो प्लस 2 एक्स वाई 2 एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 2 एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये 2 एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब इनको हम राइट में ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर। यहां से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2 एक्स वाई प्लस यहां से 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस का कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। ये है मल्टीप्लाई में, इसको ले जाएंगे हम डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ये ब्रैकेट में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। क्लियर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है
ये सभी क्वेश्चन और फॉर्मूले अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसका अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।